शुरुआत में सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि भारत की तस्वीर इस समय क्या है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या किस राज्य में कितनी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ये हाल पूरे देश का। विभिन्न राज्यों में क्या आंकड़ा है कोरोना संक्रमित मरीजों का, ये आप समझ सकते हैं। 313 पंजाब में, 301 हरियाणा में, 2625 दिल्ली में, मध्य प्रदेश में 2168, महाराष्ट्र में 8068, केरल में 458, तमिलनाडु में 1885। और आपको दिखाते हैं कि कल और आज के मुकाबले में 24 घंटे में कितना बदलाव आया है। पॉजिटिव केस 28,380 हो चुके हैं, एक्टिव केस 21,132, ठीक होने वाली मरीजों की संख्या भी अच्छी है, रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी पिछले 24 घंटों में बढ़ा है। हरियाणा की स्थिति आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में किस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। कल और आज का अंतर, पॉजिटिव केस अब हो चुके हैं 301, एक्टिव केस 85 घटे हैं, ये राहत की बात है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, 213 हुए हैं, और मौत का आंकड़ा राहत की बात यह है कि प्रदेश में नहीं बढ़ा है। कुल 3 प्रदेश में अब तक जान गई है कोरोना से। और दिखाते हैं आपको कि दुनिया की तस्वीर इस समय क्या है। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 55,425 तक पहुंच चुका है, वहीं स्पेन में 23,521 जाने जा चुकी हैं कोरोना के चलते। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका। अमेरिका, स्पेन के बाद इटली और फ्रांस के आंकड़े भी आप तक पहुंचाते हैं। यहां भी हालात बदतर हैं। इटली में 26,644 लोगों की जान जा चुकी है, फ्रांस में 22,856 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। और पूरी तस्वीर कुल मिलाकर दुनिया में कोरोना किस तरह हाहाकार मचा रहा है। अब तक 2,07,933 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के कहर के चलते।